My name is Simran Ahuja, and today we have with us our legend, and I'm supremely excited to welcome our legend. How are you guys doing, and how is life treating you during the lockdown period? Well, we have an interesting guest here with us, and I'm truly thankful to Nitro Bespoke Fitness for having this wondrous session. Aaj sabke dimag mein, hello to everyone. Sabke dimag mein, you know, wahi chal raha hai that what is going to happen, and post the lockdown, what will be the situation. So it's time for us to speak to our legend, and here he is from, well, I must say that the gentleman, you know, who has always ruled the hospitality sector from the Kamath Group, the man himself from the Kamath Group. We truly, truly welcome Mr. Kamath sir to be here with us. Sir, can we please have you here? Okay, so I'm just waiting for him to wave to us. A very, very big hi to all of you, and a very warm namaste. Namaste has become completely global. On behalf of Nitro Bespoke Fitness and Mr. Prabodh Davkare, the founder. All right. Our legend, Mr. Kamath sir. I'm very excited to have him here. Okay, so he's going to join us in a second from now. Oh my God, this is beautiful. Hello, how are you doing? Fine, how are you? I'm doing great, thank you. And I'm so delighted to talk to you today, sir. How is everything going on during the lockdown period? Lockdown is a time to think. Lockdown is a time to be much, much fitter than what you were. And I think you should become... You have time, you can read, you can get knowledge, and you can be 10% more sharper. But most important is you should be energetic. You should be effervescent, investing time on yourself, and you should become little more stronger than what you were, because impurity is very important. That's so nice, and you sounding so energetic. आप ये कैसे इतने energetic feel कर रहे हैं घर पर बैठ के? हम तो सोचते रहते हैं. Please आप हमें बताइए, कुछ तो हमें राज दीजिए आपका, कामत सर. You are what you eat वाली बात है. तो हम लोग वैसे simple खाना पहले से खाते हैं. कामत की इडली तो famous थी बचपन से. But then the upbringing हमारा जो हुआ वो बहुत अलग तरह से हुआ है. दो चीज हमारे यहाँ बचपन से हमारे अंदर इंजेक्ट की गई कि कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भी खाओ जरूरत से थोड़ा कम खाओ जी, क्योंकि जब आकर डाइजेस्ट नहीं कर सके तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है. अभी आज की जिम जो है, जिम में तो सबसे बड़ी बात यह है कि यू आर व्हाट यू ईट एंड योर ईटिंग हैबिट. ईटिंग हैबिट के साथ में यदि आप अपना एक्सरसाइज ठीक से करो तो वो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है. एंड दैट विल मेक योर नॉट बॉडी, दैट विल मेक योर हेल्थ. एंड हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, विच यू रियलाइज नाउ इन कोविड. नो टेम्पल, नो चर्च, नो मॉस्क, नो गुरुद्वारा कैन सेव यू अनलेस यू आर हेल्दी पर्सन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाव, दिस इज सो ब्यूटिफुल. यू नो सर, हम सब इसी यू नो हम कहते हैं भूल भुलैया में हैं, या यू नो वी डोंट नो, हम लोगों की बातें सुनते हैं एंड यूजिंग आवर प्रेडिक्शंस. हम सब सोचते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी विद द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड पोस्ट द लॉकडाउन, यू नो हाउ विल एवरीथिंग यू नो ऑपरेट ऑल एट वन गो. व्हाट डू यू थिंक विल बी द सिचुएशन इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सर? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तीन बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं जी. तो चेंज ये है कि पहले लोगों को जो डाउटफुल देखा जाता था कि ये आदमी कोई चीज लेके आया तो नहीं है, अभी तो हर एक को, वेदर इज अ इंटरनल गेस्ट हु इज वर्किंग इन अवर होटल, वेदर ही इज अ सप्लायर और ही इज अ गेस्ट, ऑल ऑफ देम चेक थर्ली वन. तो उससे जो फ्रेंडलीनेस है वो कम हो जाएगी. दूसरी बात ये है कि गेस्ट जो है, जब तक इसके लिए जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तब वैक्सीन नहीं निकलेगा, तब तक गेस्ट के आना कम हो जाएगा. तीसरी बात सबसे बड़ी जो और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रैवलिंग कम हो रहा है, एंड ट्रैवलिंग कम होने से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होने वाला है. लोग तो अच्छी चीजें बनाएंगे, प्रेजेंट करेंगे. एक फायदा ये होने वाला है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हाउसकीपिंग का जो स्टैंडर्ड है
वो और ऊपर चला जाएगा। कहीं भी हो हाउसकीपिंग का स्टैंडर्ड ऊपर करना ये जरूरत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, द गेस्ट इज सेफ वी आर सेफ, तो गेस्ट के लिए अटमोस्ट केयर करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर यू नो शेयरिंग विद अस योर विजन। और मैं आपसे कहना चाहूंगी सर दैट यू नो प्रबोध दावकरे इज अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स जस्ट लाइक वी ऑल आर, एंड द फैक्ट दैट यू नो यू आर लाइक फैमिली टू ईच अदर, एंड आपको बहुत चाहते हैं फैन, मतलब बहुत चाहते हैं आपको, प्यार से चाहते हैं, और हमारे साथ प्रबोध भी हैं। सर मुझे बताइए समथिंग अबाउट नाइट्रो बीस्पोक फिटनेस, बिकॉज आई रियली हैवंट सीन सच ब्यूटिफुल अमेनिटीज एनीवेयर इन द कंट्री, सो प्लीज शेयर विद मी योर ब्यूटिफुल रिलेशन यू हैव विद प्रबोध एंड द एंटायर फैमिली, बिकॉज यू नो उनकी एंटायर फैमिली डज लॉट्स ऑफ सोशल वर्क एंड फिलैंथ्रोपिक वर्क, प्लीज टेल मी अबाउट दैट। पहले तो फैमिली की बात करता हूँ। हिज फादर ग्रेट मैन वसंत डावकरे वॉज वेरी काइंड एंड वेरी हेल्पफुल टू एवरी वन। 8 तारीख का बर्थडे होता था तो मैं कहीं भी हो तो मैं बर्थडे में चला जाता था। उस पार्टी में मुझे लगता था कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, और सबके साथ खुल मिलकर देखना। इनके फादर की एक तारीफ ये कि ड्राइवर ने और वॉचमैन ने खाना खाया कि नहीं ये पूछने के बाद ये अपने खाने को बैठते थे। तो ये जो इंसानियत उनमें थी वो मैं कभी जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। दूसरी बात, मैंने प्रबोध को देखा। मैं ऑल इंडिया कराटे का प्रेसिडेंट रहने से और शुरू से हेल्थ इज अ वेल्थ ये जो प्रिंसिपल है उसको मानता था। तो आई यूज टू टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। सेकेंडली, हमारे जितने होटल है वहां प्रबोध इतने बढ़िया इक्विपमेंट तो नहीं है, क्योंकि प्रबोध क्या है कि ही हैज टेकन हिज जिम एज हिज टेम्पल। जो अपने टीम अपने जो बिजनेस को टेम्पल समझता है वो हर एक अच्छी चीज लाना चाहता है। और इसने टाइम एंड अगेन गए 20-25 साल से जो मेरी इनसे पहचान है, अच्छे अच्छे लोगों से उन्होंने अपनी जानकारी कर ली, नॉलेज ले लिया, और वर्ल्ड के बेस्ट इक्विपमेंट लाकर उसका यहाँ लोगों के लिए इक्विपमेंट फैसिलिटी करने के लिए। एक तो होता है इक्विपमेंट देखना और एक है इक्विपमेंट का यूज करके अपनी सेहत बनाना। तो बॉडी बनाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है, और प्रबोध के लिए मेरे तो बेस्ट विशेष है। और जो आपका जिम की लोकेशन है वो सबसे बढ़िया है, और इतनी बड़ी जिम मुश्किल से मिलती है। वी आर ऑल फॉर्चुनेट कि इतनी बड़ी मुश्किल से जिम और जो स्टाफ काम करने वाला है वो आपको समझ ले आप कितना वजन उठा सकते हैं, आप कितना वजन कल उठाएंगे, और कल आप 2 दिन पहले आपने कितना उठाया था। तो ये क्या है कि एवरीथिंग इज इन माइंड। तो माइंड को ट्रेन भी करते हैं, आपकी बॉडी को भी ट्रेन करते हैं, आपके माइंड को भी ट्रेन करते हैं। दिस इज ब्यूटिफुल। यू नो प्रबोध ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है अभी इसी वक्त इंस्टाग्राम पे, हु इज योर फिटनेस रोल मॉडल। आप तो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, यू नो फॉर योर फिटनेस एंड योर हेल्थ, हु इज योर फिटनेस रोल मॉडल। सच बात बताऊं, मुझे जो आदमी रोज 8 से 10 किलोमीटर चलता है, सिंपल खाना खाता है, और दंड बैठक और एक्सरसाइज आधा घंटे के लिए कर सकता है, वो तो है, वो मेरा वो आदमी मैं कर सकता हूँ उससे भी बढ़िया कर सकता है। तो मैं ये सोचता हूँ मैं अगली बार इससे बढ़िया करूँ। दैट इज हाउ एक रेस्टोरेंट से लेके मैं होटल तक आने का मतलब यही है, जो मेरे से अच्छा खाना दे सकता है मैं उससे सीखना चाहिए, मैं उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। एवरी पर्सन हु इंस्पायर्स मी इज माय रोल मॉडल फॉर दैट टाइम। This is really inspiring, and what an answer, what a reply. So this goes as a beautiful message to everyone who's here with us on the Nitro page, because Nitro believes in giving health and fitness to everybody, you know, irrespective of age and your fitness level, because hum hamesha sochte hain we have it in us to be the best version of ourselves, and that is what sir during the lockdown period ha aap kuch keh rahe hain. Main choti si baat bataun, main sky mein roz jab walking karne jata hu 4 ya 5 round marta tha, लेकिन एक दिन मैंने लेडी देखा तो वाइफ को कहा शी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वॉकर ऑफ सीसीआई, लेट मी बीट हर। तो उसको वॉकिंग में बीट करने के लिए मेरे 2 राउंड एक्स्ट्रा हो गए। फिर मैंने कहा हु इज द फास्टेस्ट वॉकिंग पर्सन, एंड ही हैपेंस टू बी उबरागड़े हु वाज अ कलेक्टर ऑफ हु वाज द कलेक्टर ऑफ मुंबई,
So one day I said, "Sir, I'll challenge you. I am going to walk with you." But he used to walk so fast. But I realized, I learned, and today I can take 10 rounds of CCI. That is out. खुद को बड़ा ऊपर करना, खुद में कुछ भर लेना, खुद में सीख लेना. आपका गुरु आपको ही पैदा करना पड़ता है. Wow, क्या बात है. So please tell me, this is what also what has been asked about by Prabodh Davkare, and he wants to know from you that what is your take on what the government is doing during the lockdown period? What is your take on that about the lockdown? Government is fighting with unknown enemy, and whatever they are doing their best. And Mr. Aditya Thackeray, who is our tourism minister, he has also understood our problem. And he's helping us, keeping our industry. The government has, this is not a simple problem. This is a very, very, very complicated problem, because your enemy cannot be seen, your enemy cannot be heard. There is no shadow of enemy and there's no smell of enemy. So I think सबको government के साथ सहकार्य करके इसके साथ अच्छी तरह से कोरोना को विदाई करना है. Now only few days are left. You have managed it well. The government has managed very, very well. The casualty all over world and casualty in India and in Mumbai, especially Mumbai. Mumbai में जगह नहीं है. Mumbai में सांस लेने को जगह नहीं है. Mumbai का कुत्ता tail अपनी जो tail है ऐसी नहीं कर सकता है. वो ऐसी कर नहीं सकता है. ऐसी करनी पड़ती है. यहाँ करेंगे तो किसी को लगती है, यहाँ करेंगे तो दूसरे को लगती है. उसमें इतनी अच्छी तरह से मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ पुलिस, they have done a very good job. My salute to them. My salute. We truly salute, and I think they've absolutely, absolutely been commendable. And jate jate hum zarur aapse ye puchna chahenge, because we received a couple of messages, sir, that we really enjoy the food at the Orchid Hotel. Kab shuru hoga? The log sab likh rahe, they're all waiting to have the food, because you know we all enjoy the buffet dinners, you know, the special dinners that we have there. So hamare kafi sare messages hain. Sir, jate jate, what is that one message on health and fitness? Because this time pe hum apne aap ko introspect kar rahe hain, hum ghar par hain. As you said, you have to give time to yourself, and the world needs love at this point of time. To aap kya message sabhi ko denge to be mentally, spiritually and physically fit at home, though they are at home, but just to be fit again? Dekho, sabse badi baat, gaate raho, khaate raho aur exercise karte raho. Ye tino cheez yadi aap tino equation mein karenge तो आप फिट रहोगे. और मेंटली फिट रहना, फिजिकली फिट रहना, इंटरनली फिट रहना, और सबसे बड़ी बात एनर्जेटिक रहना, यही जीने का मंत्र है. पैसा कितना है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. यदि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो, हेल्थ इज वेल्थ पहले बोलते थे, अभी लोगों को इस लॉकडाउन से लोगों को समझ में आया कि हेल्थ इज रियली वेल्थ. आई विश देम बोथ द हेल्थ. वन इज अ गुड हेल्थ एंड सेकेंडली a prosperity. That's beautiful, a beautiful message from you, and we are truly thankful to everyone for being here with us. And sir, can we take 5 more minutes if you don't mind, or yes, 2-3 more minutes? Yeah, because there's a question again that what better can be done for the hospitality sector, you know, in our own way? Can we prepare something? Hum ghar par baithe hain, can we have some strategy or something planned for the hospitality sector, for the hotel sector? Can we do something? Especially jinhone pucha, unhone hotel sector ke liye pucha. Can we do something sitting at home right now? Aisa hai, hospitality sector abhi thodi si change hone wali hai. Aapko jo aapke grandmother's old recipe hai, khane ki style hai, pehle ye tha ki jitne ghee zyada dalo, tel zyada dalo, ye chalne wala nahi hai. Logon ko, chef ko ye samajhna hai, खाना आंखों से खाया जाता है, खाना लिटरली खाया नहीं जाता है. और तो एक व्यक्ति जो है वो 350 से 400 ग्राम ही खाना खा सकती है. अभी जल्दी खाने के ऊपर ज्यादा जोर होगा, पुराने जो हमारी जो रेसिपी है वो वापस चली आएगी. और सबसे बड़ी बात कि जो खाना खाते हैं लोग ध्यान देकर खाएंगे. पहले पैसे कमाने के लिए खाना खाते थे, अभी खाना खाकर बढ़िया पैसा कमाएंगे, ये फर्क होने वाला है. लोगों में वो भाव में चेंज आ जाएगा आपके हिसाब से? चेंज आएगा. ऐसी घटना है, इसमें लोगों को लगाया. और एक काम जरूर करना है जो मैं 26 साल से कर रहा हूं, कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनना, वातावरण को, कर्म हो तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है,
शहर तेरा साफ है तो घर ही में मदीना काशी है। ये जो बातें हैं ये इनके दिमाग में अभी आना ही चाहिए। अपने शहर साफ रखना, नॉट टू इन्वेड नेचर एंड रिस्पेक्ट नेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोगों के दिमाग में आ रहा है, ये एक देन है, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होता। अब तक जो जो बला आई थी ये अभी टलने वाली है 15-2-3 वीक में, तो इसके बाद लोग ध्यान रखे। गंदी आदतें, मुंबई में स्पिटिंग करना, गंदी आदतें कचरा फेंकना, आई थिंक ये तो बहुत ही जरूरी है। और जो अभी लोग कर रहे हैं, जो प्रबोध ने किया है, लोगों की हेल्थ अच्छी बनाना, वो बहुत जरूरी है। ये तीनों चीज के साथ मैं ये जानता हूँ कि बम्बई, इंडिया और वर्ल्ड अच्छा बनेगा। Thank you so much. And we have our last question. According to you, what the government should do to support the hospitality sector? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मुझे लगता है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का काम लेंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट ये बैंक नहीं है, गवर्नमेंट का काम स्पेंडिंग है। और स्पेंडिंग होगा तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा होगा। और गवर्नमेंट के लिए हम लोग है जो हम एटमोसफियर पैदा करेंगे। आज सब लोग हाई रेट क्या करके बैठे हैं, क्यों? क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास फैसिलिटी नहीं है, किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपना खुद का टूट गया है। यदि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यदि एविएशन इंडस्ट्री और सबसे इम्पोर्टेंट टूरिज्म इंडस्ट्री जागेगी तो वातावरण पैदा होगा। वैसे ही मैंने न्यूयॉर्क में करीब करीब 16 रेस्टोरेंट बनाए हैं, तो न्यूयॉर्क में अभी आप जब जाते थे, पहले जब ट्विन टावर पर अटैक हुआ, लोग बगल में चल के जाते थे और उसको काम चलता था, लोग उसके ऊपर सिंपति, अरे इधर यार ऐसा हुआ, अभी नहीं जाना चाहिए वो। उसके बाद आज दो खड़े टावर है ट्विन टावर, लोग भूल गए कि ऐसा कोई अटैक हुआ था। एटमॉस्फेयर नॉर्मल आ गया है। गवर्नमेंट का काम, इतनी गवर्नमेंट से, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी दरखास्त ये है कि जब जल्द से जल्द नॉर्मल सी होने के लिए हम लोग के लिए तैयार है, हम लोग करेंगे नॉर्मल सी। हम गवर्नमेंट का जो, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस आना जरूरी है, लेकिन टैक्सेस कब आएगा? जब दुनिया चालू होगी। टैक्सेस कौन देगा? हम लोगों को बुला के उनसे लेके देंगे। आज तक मैंने कम से कम 400 करोड़ रुपया टैक्स और इंटरेस्ट में भरा है। मैं 51 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पिताजी 80 साल से बिजनेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट को हम दो चीज से आश्वस्त कर सकते हैं, हम टैक्स और लाएंगे और देंगे, और दूसरी बात अब हम और ज्यादा में ज्यादा जॉब क्रिएशन करेंगे और ज्यादा में ज्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, एंड सॉरी, जाते जाते देयर इज वन मोर क्वेश्चन, एंड दे आर सेइंग बिकॉज हमें रियलाइज हुआ है कि जिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली वर्कआउट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल, हमारे इम्यूनिटी बनाने के लिए भी एंड हमारा फूड डाइजेस्ट करने के लिए। सो वुड इट बी पॉसिबल फॉर जिम्स टू बी इनसाइड द होटल्स नाउ? यस, इसके बाद में जिम विल प्ले अ वेरी बिग रोल, एंड राइट नाउ पीपल हु विल बी ईटिंग, दे विल बी ऑल्सो टेकिंग केयर दैट दे शुड ईट राइट, they should also go to gym in the morning. Maybe it may be one of the regular affair. We have good gyms, but we have not like yours that good. Yours is an extraordinary gym, one of the best in Bombay. And the members also, they love gym. So I feel that in hospitality industry and every hotel, there will be an excellent gym. And healthcare will be very important from this point. So gym is going to be a most important part of your health and body. Kamath sir, I'm truly going to take this opportunity of thanking you from all my heart. And with all humbleness, I'm going to tell you that thank you for giving us your valuable time. And of course, letting us know the vision of the hospitality sector, letting us know about everything that a person can do right now itself, you know, being at home till the time, everything really normalizes, or at least, you know, we're going to start slowly and steadily. And on behalf of Nitrochip and on behalf of Prabodh Davkare, we're truly thankful to you. And we wholeheartedly thank you from the bottom of our heart for being here with us. But I'm going to request you one last message to everyone during this lockdown to make the most out of this time. Swasth raho, mast raho. Swasth rane ke liye
नेट्रो जिम में जाओ, जिम करो और मस्त रहने के लिए माइंड और बॉडी को फिट रखो. विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड प्रबोध एंड हिज टीम. बाय. थैंक यू. देयर इज राबिया पटेल हियर. शी इज गिविंग हर हर रिगार्ड्स टू यू, राबिया पटेल. एंड शी इज माय फेवरेट फ्रेंड. राबिया इज अ फ्रेंड. शी इज माय वाइफ्स फ्रेंड. हर हस्बैंड. या वेरी गुड फ्रेंड. At the same time, now another restaurateur, Jafar Bhai, Delhi Darbar, very close friend of mine, very, very dear friend. So she's thank been you. There from the beginning, and she's conveying her love to you, and she's saying you're her favorite. So yeah, just wanted to give you that message. एक बात बताऊं, आपको देखने के बाद मुझे गाना याद आया. ओ लड़की को देखा तो ऐसा लगा. टेंग डेंग टेंग डेंग. Thank you very much. God bless you. That was so kind of you. Thank you so much. Lots of love to you. Nitro Bespoke Fitness, and we are here with our legend, Mr. Kamat. Humble thanks to you, sir. Thank you very much. Bye. Good night. Thank you bye. To all. Thank you, sir. Thank you to everyone thank for being here with us. I'm going to see you back once again pretty soon. Yeah. Stay tuned with us on our page, Nitro. Follow us and do talk about this. Feel free to share this video as well. Thank you, sir, for your lovely tips. And enjoy your day, the rest of the day. And we wish you all the very best. And thank you for all the love showered on us. Thank you. Thank you. Bye. Right. Bye. Bye. While it's time to end, sir, I'd also like to thank your daughter for really making me very comfortable. Can we have her here? I just want to say a thank you to her. She will. Actually, she handed over to me and she said that you know how to handle ladies. So I said, here she comes, Vidita. Thank you so much. Marathi changla hai ga. Atisha changla hai. Marathi chi mulgi hai, sir. Changli Marathi yete mala. Kutli mulgi hai? Maharashtra chi mulgi hai. Mi Maharashtra chi mulgi hai na, sir. महाराष्ट्राची स्ट्रॉंग मुलगी आहे, सशक्त मुलगी आहे. प्रभू साहेबांना थँक्यू सांगा बाळा. थँक्यू सो मच. थँक्स टू यू सर. थँक्स टू यू. थँक्स विदिता. लॉट्स ऑफ लव टू यू विदिता. थँक्यू. थँक्यू मिस्टर कामत. बाय बाय बाय. गॉड ब्लेस. गॉड ब्लेस.